मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जितना हो सके उतना आप कर दीजिए, प्लीज़ कर दीजिएगा। तो आज हम आपको बताएंगे दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं और अदहनशील पदार्थ किसे कहते हैं, और दोनों में अंतर स्पष्ट करना भी है, दोनों के बारे में बताएंगे। तो पहले हम बात करते हैं दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं। वह पदार्थ जो जलता है उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं। कहते हैं भाई, जैसे जैसे लकड़ी, कोयला। लकड़ी तो जलता है तो वह ना दहनशील पदार्थ, और कोयला भी जलता है, दहनशील पदार्थ हुआ, यही हुआ दहनशील पदार्थ। और अदहनशील पदार्थ किसे कहते हैं। वह पदार्थ जो नहीं जलता है उसे अदहनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, लोहा हो गया पहला फर्स्ट लोहा, ईंट हो गया, पत्थर हो गया। लोहा को जलाइए नहीं जलेगा, पत्थर को जलाइए नहीं जलेगा, गर्म होगा लेकिन जलेगा नहीं। लकड़ी को जलाइए तुरंत जल जाएगा। यही था। अगर अंतर अंतर पूछे एग्जाम या कोई पूछे व्यक्ति कि दहनशील पदार्थ और अदहनशील पदार्थ में अंतर स्पष्ट करें तो आप कैसे लिखिएगा। लिखने के लिए तो हम बोल कर तो नहीं समझा सकते, आपको लिख कर समझाते हैं, समझे, लिख कर समझाते हैं। तो देखिए कॉपी पे कैसे लिखें, यानी कि नोटबुक पे कैसे लिखें। तो आप बताने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीरज स्टडी सेंटर सर्च कीजिएगा फर्स्ट में आ जाएगा। तो हम बात कर रहे थे दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं। वह पदार्थ जो जलता है उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे कोयला, लकड़ी, कागज इत्यादि। और अदहनशील पदार्थ किसे कहते हैं। वह पदार्थ जो नहीं जलता है उसे अदहनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, पत्थर, ईंट इत्यादि। तो हम आपको बोले थे कि अंतर कैसे लिखें। अंतर लिखने के लिए कितना स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। तो देखिए कैसे लिखा जाता है। अंतर फर्स्ट में आप लिख दीजिएगा ऊपर अंतर, दहनशील पदार्थ और अदहनशील पदार्थ बीच में एक लाइन पार दीजिए। इस साइड में दहनशील पदार्थ और उस साइड में अदहनशील पदार्थ, दहनशील पदार्थ। अंतर वह पदार्थ जो जलता है उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं। इसमें जैसे दे दीजिएगा कोयला, कागज, लकड़ी इत्यादि। और अदहनशील पदार्थ वह पदार्थ जो नहीं जलता है उसे अदहनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, ईंट, पत्थर इत्यादि। आप देख चुके हैं दहनशील पदार्थ और अदहनशील पदार्थ में अंतर स्पष्ट करना है। तो आज हम आपको बता दिए बेसिक से दहनशील पदार्थ और अदहनशील पदार्थ में अंतर। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं आप अगली वीडियो में, मिलते हैं आपसे हम।